दार्शनिक कन्फ्यूजियस की रचनाएं भी थीं जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। छठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री वेंस सांग वहां अध्ययन करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहां शिक्षकों साथियों के स्थान पर भैंसे बंधी हुई हैं। यह लगभग सच ही हो गया। जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियां मतलब पुस्तक की हस्तलिखित प्रति, उनके अनेक लोग जिनमें भी थे अध्ययन करने वहां जाते थे। यह पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यह थी कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में, अनगिनत मतलब जिसकी गिनती न हो सके, अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा है जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है, तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई हैं, फिर से अपने पुराने या नए रूप में प्रकट होती रहीं। ठीक भी हैं, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सबसे मिलकर, दूरदर्शिता मतलब आगे की सोचना, इस सबसे मिलकर बनती हैं। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। 2री शताब्दी में डेनिस पादरी वेन जोसफ अकीबा को उसकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। उसके अंतिम शब्द याद रखने योग्य हैं, कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती है। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जुबानी याद होती है। पुराने जमाने में लिखे हुए को कंठस्थ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। यूनानी महाकवि होमर, इन जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, वे महाकाव्य इलियड तथा पेशेवर गाने वालों कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुल चारण, चारण मतलब यशगान करने वाला समुदाय, तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। भारत में सदा से कोई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने में कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। यह भी सब जानते हैं कि बाइबिल के अनेक दृष्टांतों यूनानवासी ईसप के किस्सों, जर्मनी के ग्रीम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है।
इसमें शक नहीं है, यानी अतीत मतलब बीता हुआ समय।